नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर सिलेक्शन कोर्स के 21वें दिन में आपका स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। हु बिल्ट द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम? महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनाया? चोला किंग्स, पल्लव किंग्स, चेरा किंग्स, चालुक्य किंग्स। तो आंसर है इसका पल्लव किंग्स। पल्लव किंग्स ने महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाते हैं। हु हैज़ वॉन मैक्सिमम फिल्मफेयर अवार्ड्स एज म्यूजिक डायरेक्टर? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एआर रहमान, अनु मलिक, जतिन ललित। तो इसका आंसर तो एआर रहमान है। उनका म्यूज़िक बहुत बहुत बढ़िया होता है, बहुत फेमस है और उन्होंने एक दो बारी ग्रैमी भी जीता हुआ है, ऑस्कर भी लिए हुए हैं। ठीक है, तो एआर रहमान इंडिया के लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। उनके गाने काफ़ी मीनिंगफुल, काफ़ी सेंसफुल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज ऑल्सो नोन एज सिस्टोल, एरिस्टोल, एरिस्टोटल, डायस्टोल, लव। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज ऑल्सो नोन एज सिस्टोल। सिस्टोल कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, हृदय के संकुचन को किस रूप में भी जाना जाता है? उसको सिस्टोल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आजादी रचता इंडिका निम्नलिखित में से किसका वनस्पति नाम है? आजादी रचता इंडिका इज द बोटेनिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? रोज प्लांट, एप्पल ट्री, नीम और मैंगो। तो नीम का नाम होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन? फैट, लिपिड्स, ग्लूकोज, सेल्यूलोज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है, ठीक है, मेन एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ठीक है, जो हम कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट एग्जांपल रोटी लगा लीजिए, रोटी का जो एंड डाइजेशन प्रोडक्ट होता है वो होता है अपना ग्लूकोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? टाइटेनियम, टंगस्टन, आर्गन, निकल। तो आर्गन होता है इसका, आर्गन का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इनमें से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाते हैं। कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन? दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव। दिल्ली में सबको पता है। क्वेश्चन नंबर एट। बाजीराव वन 1720 to 1740 एड वॉज द रूलर ऑफ विच डिनेस्टी? सो नंद, पेशवाज, हरियाणा का मौर्य। इसका आंसर है पेशवा। ठीक है, हु इन्वेंटेड प्लेस्टेशन? प्लेस्टेशन का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स, रेनल्ड बी जॉनसन, एस एन जॉर्डन ऑफ कैन कैन कुटारगी ने प्लेस्टेशन का इन्वेंशन किया था। प्लेस्टेशन आपको पता होगा, प्लेस्टेशन पे काफ़ी हाई एंड गेम्स प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे कि फीफा 2018 का एग्जांपल ले लो, या फिर गॉड ऑफ वार ले लो, या फिर कोई भी गेम ले लो जो बहुत हाई ग्राफिक्स की होती है, वो प्लेस्टेशन उसके लिए बनाया गया है। प्लेस्टेशन पे आप बहुत अच्छी अच्छी गेम्स खेल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड? ल्यूसीमीटर, क्रायोमीटर, काइनोमीटर, बैरोमीटर। सो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी इज ल्यूसीमीटर। ठीक है, ल्यूसीमीटर से हम लाइट की इंटेंसिटी जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विद रेफरेंस टू ग्रेविटी व्हाट इज जी कॉल्ड? ग्रेविटेशनल कंस्टेंट को कहते हैं हम जी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हैं शायद ग्रेविटी हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन एट्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये पिछला वाला, 22 वाला। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला। क्वेश्चन नंबर 13। आर्टिकल 43A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, डील्स विद द स्टेट गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम्स में। ठीक है, इसका आंसर है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। विच टीम वन 2016 UEFA फुटबॉल चैंपियनशिप? पुर्तगाल, USA, जर्मनी, ब्राज़ील। पुर्तगाल ने जीता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फुटबॉल फैंस को पता होगा इसका आंसर, क्योंकि फुटबॉल के बहुत सारे फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया ऑल्सो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ओथ ऑफ द व्यापुत्राज, शिवा ट्रिलॉजी, द ओथ ऑफ द व्यापुत्र, शिवा ट्रिलॉजी के लेखक कौन है?
अमीश त्रिपाठी, चित्र बैनर्जी, चित्रा बैनर्जी, देव करुणी, रस्किन बॉन्ड, अश्विन संघी। तो इसका आंसर है अमीश त्रिपाठी जी। अमीश त्रिपाठी जी ने लिखी थी द ओथ ऑफ पुत्राज। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं हमने। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पे। ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता होगा, अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट में बता दीजिए। या इसका एक रीज़न हो सकता है कि आपने बेल आइकन ना दबाया हो। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल पे डेली वीडियोस अपलोड की जाती हैं प्रॉपर सिलेक्शन कोर्स की और ग्रुप डी के मटेरियल की। तो ग्रुप डी जो एग्ज़ाम है बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और उसका मटेरियल हम डेली ही अपडेट कर रहे हैं अपने चैनल पे। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए चैनल को भी और वीडियोस को भी। ठीक है, कोई कमी लगती है तो हमें बताइए। आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।